Hello everyone, welcome back to my channel, Shweta Singh, your nursing educator. So last video में हमने पढ़ा था introduction to psychology, behavior के बारे में and many of you requested me to put another video regarding biology of behavior. So here I am with unit 2, biology of behavior. Also I'm sorry for being a little inactive on YouTube and not posting lectures, but now I'm back and I'll be posting lectures regularly. So let's start. Before starting, if you haven't subscribed to my channel, subscribe it right now. Also press the bell icon so that you can get notification every time I post something new. So let's start. So unit 1 में हमने पढ़ा था behavior के बारे में, human behavior क्या होता है. इस unit में we are going to study about the biology of behavior. तो क्या होता है biology of behavior? The biology of behavior is the study of behavioral functions of the nervous system, particularly the brain. बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर में हम पर्टिकुलरली क्या पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं. जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का बिहेवियरल फंक्शन पर्टिकुलरली विल बी स्टडिंग अबाउट द ब्रेन. तो साइकोलॉजी में एक ब्रांच होती है, दैट इज़ नोन एज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी. फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच सीक्स टू डिटरमिन हाउ एक्टिविटी इन द नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू बिहेवियर एंड माइंड. यानी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ हैं, हाउ दे आर रिलेटेड टू बॉडी एंड माइंड, वो हमारे बॉडी और माइंड से कैसे रिलेटेड है. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप, हाउ इज आर बिहेवियर रिलेटेड टू बॉडी एंड माइंड. सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी. नेक्स्ट, मेनी एस्पेक्ट्स. अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बायोलॉजी इन साइकोलॉजी. साइकोलॉजी की बायोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर इन साइकोलॉजी. सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल फंक्शनिंग कैन नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड विदाउट द नॉलेज ऑफ अंडरलाइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस. यानी हमारे जितने भी फिजिकल और मेंटल प्रोसेसेस हैं रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, वो बिना उन जो भी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी करने के लिए जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जब तक उसकी नॉलेज नहीं होगी वी कैन नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द मेंटल एंड फिजिकल प्रोसेस फॉर विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर. तो बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइंड और बॉडी रिलेशनशिप के बारे में, हाउ आर बिहेवियर अफेक्ट्स द बॉडी एंड माइंड. तो अब हम पढ़ेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में. तो देखो साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में. अभी जो बिहेवियर होता है ये हमारे फिजिकल एक्टिविटी यानी हमारी बॉडी और हमारे माइंड दोनों को इन्वॉल्व करता है. यानी बिहेवियर इन्वॉल्व्स बोथ आर बॉडी एंड माइंड, यानी दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी में कोई एक्टिविटी हुई, एनी एक्टिविटी, तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट आर माइंड, ठीक है. और अगर हमारी माइंड में कोई एक्टिविटी हो रही है, समथिंग इज गोइंग ऑन, तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट आर बॉडी. तो दीज बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. यानी बॉडी एंड माइंड दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. And behavior involves both body also and mind also. So mental functions and physical state affect each other. That is mental functions yani hamara jo mind hai and physical state that means our body they affect each other. Yani mind mein agar koi activity hogi to wo hamare फिजिकल बॉडी पे अफेक्ट करेगा, और हमारी फिजिकल स्टेट यानी हमारी बॉडी में अगर कुछ एक्टिविटी हो रही है तो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आर मेंटल फंक्शन और हमारा माइंड को अफेक्ट करेगा, ठीक है. अब पढ़ेंगे हम माइंड के बारे में और बॉडी के बारे में. अब ये माइंड क्या है और बॉडी क्या है, तो पहली चीज़ तो दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं. समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन हेयर दैट विल अफेक्ट हेयर एंड समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन हेयर दैट विल अफेक्ट यहाँ पे बॉडी पे, ठीक है. अब जो माइंड है, माइंड क्या होता है, माइंड इज़ रिगार्डेड एज फंक्शंस ऑफ बॉडी. यानी माइंड हमारी बॉडी का ही फंक्शन है. तो माइंड हमारी बॉडी से कुछ सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है. माइंड हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है. इट डज नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द बॉडी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर बॉडी ओनली, ठीक है. तो माइंड इज़ रिगार्डेड एज द फंक्शन ऑफ बॉडी, यानी हमारी बॉडी का ही एक फंक्शन है माइंड. नेक्स्ट, माइंड क्या होता है, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेसेस. जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस हो गई, जैसे ऑब्जर्विंग, लर्निंग, इमेजिनिंग, जजिंग, ठीक है. तो ये जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस हैं, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ माइंड, ठीक. तो माइंड कह लेंगे हम कि माइंड इज द फंक्शन, मतलब एक तरीके से एक फंक्शन है.
हमारी बॉडी का. नेक्स्ट इज बॉडी. अब बॉडी क्या है? जो हमारी फिजिकल स्टेट है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फिजिकल स्टेट एंड बॉडीली फंक्शन. यानी हमारी बॉडी की जो फिजिकल स्टेट है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द बॉडी. बॉडी क्या हो गया? स्ट्रक्चर है, और माइंड इज़ द फंक्शन ऑफ दैट बॉडी. यानी बॉडी स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स बॉडी इज़ एनाटॉमी एंड माइंड इज़ अ फंक्शन ऑफ द बॉडी. तो हमारा जो बिहेवियर होता है, दैट इन्वॉल्व्स बोथ बॉडी एंड माइंड. दैट इज़ कनेक्टेड और दैट इज़ इंटर रिलेटेड टू बोथ बॉडी एंड माइंड. सो आवर बिहेवियर इन्वॉल्व्स बोथ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस. यानी हमारा जो बिहेवियर है, वो हमारी एनाटॉमिकल यानी हमारी बॉडी और फिजियोलॉजिकल यानी हमारे माइंड दोनों से ही इंटरकनेक्टेड है, दोनों को इन्वॉल्व करता है. ठीक है, तो दिस इज़ मेनली एक डिफरेंस हो गया माइंड और बॉडी में. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप में, हाउ आर बॉडी अफेक्ट्स द माइंड. कैसे हमारी बॉडी एक्टिविटीज जो हैं माइंड को अफेक्ट करती हैं, और कैसे हमारी माइंड की एक्टिविटीज जो हैं, हाउ डज द माइंड अफेक्ट्स द बॉडीली फंक्शन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माइंड एंड इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी. तो अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ बॉडीली कंडीशंस ऑन मेंटल फंक्शनिंग. यानी हमारी जो बॉडी में कंडीशंस है, हमारी बॉडीली कंडीशन है, हमारी फिजियोलॉजिकल स्टेट कैसे हमारी मेंटल फंक्शंस को अफेक्ट करती है. तो इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. जैसे इंक्रीज बीपी कॉजेज मेंटल एक्साइटमेंट. अब कोई पर्सन है जिसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसका मेंटल एक्साइटमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, दैट रिजल्ट से इंक्रीज मेंटल एक्साइटमेंट, स्ट्रेस होगा पेशेंट को. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. सिवियर पेन रिड्यूसेस कॉन्सेंट्रेशन लेवल. यानी अगर कोई स्टूडेंट है, उसको चोट लगी है, उसकी वजह से उसे पेन हो रहा है. ठीक है, अब उसे स्टडी करना है, तो क्या वो स्टूडेंट अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्टडीज़ पे रख पाएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा? पेन पे होगा. उसको पेन हो रहा है, उसे चोट लगी है, तो उसका दिमाग, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, दैट विल बी अफेक्टेड. यानी पेन क्या है? पेन कहाँ हो रहा है? बॉडी में हो रहा है. यानी बॉडीली फंक्शन क्या अफेक्ट कर रही है? मेंटल फंक्शन को. कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? हमारा एक मेंटल फंक्शन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मेंटल फंक्शन. तो दैट मीन्स बॉडी का जो फंक्शन था, यानी बॉडी में क्या हुआ? पेन हुआ. दैट इज़ रिजल्टिंग और दैट इज़ अफेक्टिंग अवर मेंटल फंक्शन. नेक्स्ट इज क्रॉनिक इलनेस कॉजेज डिप्रेशन. नेक्स्ट इज क्रॉनिक इलनेस कॉजेज डिप्रेशन. अब सपोज करो कोई पेशेंट है जिसको कोई क्रॉनिक इलनेस है. क्रॉनिक इलनेस मतलब कोई ऐसी बीमारी जो लंबे टाइम से चलती आ रही है. ठीक है, अब उसे पता है कि उसे कोई क्रॉनिक इलनेस है, और वो ये सोच रहा है कि क्या वो ठीक हो पाएगा, ठीक होगा भी या नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो इस वजह से वो डिप्रेशन में चला गया. अब क्रॉनिक इलनेस क्या थी? इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर बॉडीली फंक्शन. ठीक है, क्रॉनिक इलनेस ने क्या किया? दैट रिजल्टेड इन डिप्रेशन. तो सम हाउ बॉडीली फंक्शन ने क्या किया? अफेक्ट किया हमारे मेंटल फंक्शन को. नेक्स्ट, मैल फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स मे एग्जर्ट फुल इन्फ्लुएंस ऑन वंस पर्सनालिटी रिजल्टिंग इन लेथार्जी और नर्वस टेंशन. यानी हमारी जो ग्लैंड्स हैं, उनकी अगर मैल फंक्शनिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही हैं, तो बहुत लिटिल अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही हैं, या बहुत ओवर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन हो रहा है, तो उसकी वजह से सम हाउ इट विल अफेक्ट आवर पर्सनैलिटी. और पर्सनैलिटी पे अफेक्ट होगा, तो दैट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन नर्वस टेंशन और लेथार्जी. ठीक है, तो सम हाउ बॉडी इज़ अफेक्टिंग आवर माइंड. नेक्स्ट इज फिजिकल फैटीग अफेक्ट्स आर मूड एंड रिड्यूसेस आर मोटिवेशन इंटरेस्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन. कोई पर्सन है, उसको फैटीग है, थकान है. ठीक है, फिजिकल फैटीग क्या करती है? हमारे मूड को अफेक्ट करती है. ठीक है, मूड को अफेक्ट करेगी, तो क्या होगा? हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा. मोटिवेशन इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ को लेके कॉन्सेंट्रेशन होगा, मोटिवेशन होगा, इंटरेस्ट होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, वो रात भर उसने पढ़ाई की. ठीक है, अब रात भर पढ़ाई की, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है मॉर्निंग में, रात भर पढ़ाई करके थक गया, क्या नेक्स्ट डे विल ही बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज एग्ज़ाम? नो. क्यों? बिकॉज रात भर पढ़ाई की है, फटीग है, तो दैट इज़ सम हाउ गोइंग टू अफेक्ट आर मूड. मूड को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उस स्टूडेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेवल, मोटिवेशनल लेवल, एज वेल एज इंटरेस्ट, दीज ऑल थिंग्स विल बी डिक्रीज. तो सम हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आर मेंटल प्रोसेस. नेक्स्ट इज ब्रेन इंजरी अफेक्ट्स मेनी साइकोलॉजिकल फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसको ब्रेन इंजरी हो गई. ब्रेन इंजरी हुई है, तो ब्रेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ब्रेन इंजरी विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर मेंटल फंक्शंस, क्योंकि ब्रेन इंजरी हुई है, तो जितने भी हमारे मेंटल फंक्शन है, जैसे थिंकिंग, लर्निंग, ऑब्जर्विंग,
जजिंग, ये सारे जो मेंटल फंक्शन है ये कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएंगे. सो दीज आर द सम एग्जांपल्स विच शो कि हमारी जो बॉडी है और हमारा जो माइंड है ये दोनों इंटररिलेटेड हैं. यानी बॉडी और माइंड साथ में हैं, दो इंटररिलेटेड हैं. हमारी माइंड जो है, हमारा जो माइंड है वो बॉडी का कोई, वो बॉडी का ही पार्ट है. वो बॉडी से कुछ अलग नहीं है, हमारी बॉडी का ही पार्ट है. और हमारी बॉडी में अगर कुछ कंडीशन होगी, कुछ इफेक्ट होगा, कुछ एक्टिविटी होगी, तो वो डायरेक्टली इट विल अफेक्ट ऑन आर मेंटल फंक्शन ऑल्सो. हमारे माइंड को भी अफेक्ट करेगा और वाइस वर्सा. माइंड में भी अगर कोई एक्टिविटी होगी या कुछ कंडीशन होगी तो दैट विल अफेक्ट ऑन आर बॉडी ऑल्सो. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि बॉडी जो है कैसे हमारे मेंटल फंक्शंस को अफेक्ट कर रही है. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे मेंटल फंक्शंस कैसे हमारे बॉडीली फंक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं. यानी हमारे मेंटल प्रोसेसेस जो हैं कैसे हमारे बॉडीली फंक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं. तो पहला एग्जांपल है अनप्लेजेंट इमोशंस लाइक फियर, एंगर, कॉज इरिटेबिलिटी, इंसोमनिया एंड हेडेक. कोई अनप्लेजेंट इमोशन हो गया, फॉर एग्जांपल आप गुस्से में हो. ठीक है, आप गुस्से में हो तो उसकी वजह से क्या होगा, हेडेक होगा, है ना. गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो तो उसकी वजह से क्या होगा, इरिटेबिलिटी होगी. ठीक है, हेडेक होने लगेगा, फिर आपको नींद भी नहीं आएगी, इंसोमनिया हो जाएगा. तो ये क्या हुआ, हमारी मेंटल प्रोसेस. यानी हम क्या था, एंगर इमोशन में. ठीक है, यानी एंगर क्या है, हमारा एक इमोशनल एक्टिविटी है, इट इज़ रिलेटेड टू आवर मेंटल फंक्शन. अब उसमें कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो उसने क्या किया, हमारी बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट किया. ठीक है, हमें हेडेक हो रहा है या नींद नहीं आ रही है, इंसोमनिया हो गया है, तो ये क्या हुआ, हमारी बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट किया. ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. डीप थिंकिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन कैन कॉज फिजिकल स्ट्रेन. यानी अगर किसी ने बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है या बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है किसी चीज़ को लेके, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेन होगा. ठीक है, आपको थकान महसूस होगी, फटीग होगा. कभी चेस जो खेलते हैं ना, चेस खेलने के बाद बहुत फिजिकल स्ट्रेन होता है. क्यों, बिकॉज दे आर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं वो. तो डीप थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब किसके फंक्शन है, ये सब हमारे मेंटल फंक्शंस है. दीज फंक्शंस आर रिलेटेड टू अवर माइंड. तो माइंड में एक्टिविटी हुई तो दैट विल, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों इंटररिलेटेड है, तो इट विल अफेक्ट अवर बॉडी. नेक्स्ट एग्जांपल इज इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर. इट इज़ फाउंड कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर भी होता है. ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है. तो यहाँ पे भी सेम थिंग. नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन आर एक्सप्रेस थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड कॉज हाइपरटेंशन एंड कार्डियक डिजीजेस. अब कोई बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या स्ट्रेस करता है, तो सम हाउ इवेंचुअली इट विल रिजल्ट इन हाइपरटेंशन. ठीक है, हाइपरटेंशन यानी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. और बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ का, तो उसकी वजह से समहाउ ग्रेजुअली इट विल लीड टू, इवेंचुअली इट विल लीड टू हाइपरटेंशन एंड देन ग्रेजुअली इट विल लीड टू कार्डियक डिजीजेस. यानी हमने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर लिया, तो करते चले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते चले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते चले आ रहे हैं, तो दैट विल लीड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ग्रेजुअली समहाउ इट विल रिजल्ट इन कार्डियक डिजीजेस. तो हमारा मेंटल फंक्शन, यानी हम गुस्सा कर रहे हैं, वो हमारा एक मेंटल फंक्शन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे अफेक्ट हो रहा है. यानी हमें बॉडीली फंक्शन जो है हमारे अफेक्ट हो रहे हैं. तो इन एग्जांपल से, इन कंडीशन से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि माइंड एंड बॉडी बोथ आर इंटररिलेटेड. ठीक है, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी. अगर माइंड और बॉडी के बीच में जो रिलेशनशिप है ये हारमोनियस है, यानी दोनों में बैलेंस है, तो इट विल लीड टू गुड हेल्थ ओनली. बट अगर दोनों के बीच में कहीं भी ज़रा सा भी डिफरेंस आता है तो दैट विल लीड टू इलनेस. यानी अगर माइंड, हमारे जो मेंटल फंक्शंस हैं उनमें और बॉडी में, दोनों में कहीं भी थोड़ा सा डिफरेंस आया, को थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ, तो दैट विल लीड टू इलनेस. लेकिन माइंड और बॉडी दोनों की एक्टिविटीज़ इंटररिलेटेड हैं, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस है, देन इट विल लीड टू हेल्थ ओनली, इट विल लीड टू गुड हेल्थ ओनली.
तो अभी तक हमने माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट हमेशा इससे आता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने जितना अभी तक पढ़ा है आपने उतना लिखना है, ठीक है। माइंड एंड बॉडी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, फिर हमने जो अभी पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ माइंड ऑन बॉडी एंड देन इफेक्ट्स ऑफ बॉडी ऑन माइंड, ये पूरा आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो अब हमने माइंड बॉडी रिलेशनशिप पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, कैसे हमारा जो जेनेटिक्स है, कैसे हमारे जीन्स और कैसे हमारा एनवायरनमेंट जो है हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में, हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी इज़ कंसिडर्ड एज अ सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स। इसका मतलब है कि एक पर्सन के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर जितने भी इनबॉर्न ट्रेट्स हैं या इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो उसके अंदर जन्म से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो जन्म से ट्रेट्स हैं, जन्म से ही, उसके बर्थ से ही, उसको हेरिडिटी कहते हैं। तो बायोलॉजिकली इट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ ट्रेट्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज ओवम, यानी एक फर्टिलाइज ओवम में। जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है? स्पर्म सेल और ओवम सेल के फर्टिलाइजेशन से ही होता है, फ्यूजन से ही होता है। तो एक फर्टिलाइज ओवम में जितने भी पोटेंशियली ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज बायोलॉजिकली डिफाइंड एज हेरिडिटी। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू डगलस एंड होलैंड, वंस हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और कैपेसिटीज डिराइव फ्रॉम पेरेंट्स, अदर एंसेस्ट्री और स्पीशीज। तो अगर हमें हेरिडिटी डिफाइन करनी है, डगलस और होलैंड ने कैसे हेरिडिटी को डिफाइन किया था, उन्होंने बोला था कि किसी भी इंडिविजुअल के जो स्ट्रक्चर हैं, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, वो सब कहाँ से डिराइव हुई है, वो उनके पेरेंट्स से डिराइव हुई है या उनके एंसेस्टर से डिराइव हुई है, ठीक है। तो इसी को हेरिडिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर वेरी सिमिलर टू योर पेरेंट्स, आपका जो उनका, आपके पेरेंट्स का जो फिजिकल अपीयरेंस होगा, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू योर्स। आपके पेरेंट्स का जो भी कॉम्प्लेक्शन होगा या उनका जो भी नेचर होगा या उनका जो भी इंटेलेक्ट होगा, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू योर्स, बिकॉज यू हैव डिराइव दैट हेरिडिटी फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। सो दिस इज हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स द स्पेशल ट्रेट्स और द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी डिराइव फ्रॉम आर पेरेंट्स, दैट इज नोन एज हेरिडिटी, ठीक है। तो इन शॉर्ट, इट इज़ अ सम टोटल, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इसको कहते हैं हेरिडिटी। तो हर इंडिविजुअल की अपनी एक अलग लाइफ साइकिल होती है, और उस लाइफ साइकिल में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड देन इवेंचुअली डेथ। तो जो इंडिविजुअल होता है, जिसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसकी एक अपनी अलग यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये सब कहाँ से ट्रांसमिट होती हैं? विद द हेल्प ऑफ हेरिडिटी। अंडरस्टूड? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी का मैकेनिज्म है क्या? जो ह्यूमन लाइफ है, उसका ओरिजिन कैसे होता है? एवरी इंडिविजुअल का ओरिजिन कैसे होता है? जायगोट से होता है, ठीक है। तो अब ये जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है? जायगोट का फॉर्मेशन होता है स्पर्म सेल और ओवम सेल के, ओवम स्पर्म सेल और ओवम सेल के फ्यूजन से। स्पर्म, व्हेन अ स्पर्म सेल विल फ्यूज विद द ओवम सेल, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ठीक है। तो जब स्पर्म सेल और ओवम सेल फ्यूज करते हैं, यूनाइट करते हैं, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट होता है, जाइगोट में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जाइगोट कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक जाइगोट में, ठीक है। अब ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ से आए? 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म सेल से एंड 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ओवम सेल्स। दे बोथ यूनाइटेड, दे बोथ फ्यूज एंड फॉर्म 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म सेल से एंड देन 23 क्रोमोसोम फ्रॉम ओवम सेल्स। व्हेन दीज टू विल यूनाइट, दे विल फॉर्म जाइगोट विच कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। जो ओवम सेल होता है, यानी जो फीमेल होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। लेकिन मेल में ओनली 22, मेल में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लस टू सिंगल एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से हाफ 46, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब 46। अब इसका हाफ जो होता है, दैट मींस 23 क्रोमोसोम्स
comes from the male, that is from the father, and half chromosomes are from the mother, that means the female. ठीक है, तो 23 chromosomes come from the sperm cell and 23 from the ovum cell. When these two will unite, they will lead to the formation of fertilized zygote, which consists of 46 pairs of chromosome. That means 23 from father and 23 comes from the mother. अब अगर अनफॉर्चुनेटली अगर क्रोमोसोम्स का एब्रेशन होता है तो दैट विल लीड टू अ डिसऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इफ़ अनफॉर्चुनेटली अगर ये 46 की जगह 47 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए तो दिस विल लीड टू अ डिसऑर्डर विच इज नोन एज डाउन सिंड्रोम और मंगोलिज्म. ठीक है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, डीएक्सेलरेशन होता है ग्रोथ का और डेवलपमेंट का. अब अगर ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स को हम माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड अ बैंड ऑफ मार्किंग्स, उनमें बहुत बैंड ऑफ मार्किंग्स आपको देखने को मिलेंगी, उसको हम कहते हैं जीन्स. ठीक है, तो जो जीन्स होते हैं दैट जीन्स आर द एक्चुअल कैरियर ऑफ द ट्रेड्स. तो किसी भी इंडिविजुअल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें 2000 से लेस और 50,000 से ज़्यादा जीन्स नहीं होते हैं. ठीक है, और किसी भी इंडिविजुअल की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर एग्जाम्पल उनका हाइट हो गया, वेट हो गया, नोज का अपीयरेंस हो गया, या उनका आई का कलर हो गया, उनका स्किन का कलर हो गया, उनका सोशल बिहेवियर हो गया, उनका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर हो गया, ये सारी चीज़ें कौन डिटरमिन करता है, ये सारी चीज़ें उनकी जेनेटिक्स यानी उनकी जो हेरिडिटी है वो डिटरमिन करती है. ठीक है, तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो हर इंडिविजुअल की अपनी एक यूनिक हेरिडिटी होती है, अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है. तो हर इंडिविजुअल जो है is different from each other, और उसी तरह हर individual का behavior is also different from each other. तो अभी हमने heredity के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं environment के बारे में. ठीक है, तो जो child होता है वो अपनी जो भी इंडिविजुअल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी उसके ट्रेट्स होते हैं, वो कहाँ से इनहेरिट करता है, वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है, अपने फोर फादर से इनहेरिट करता है थ्रू द हेल्प ऑफ जीन्स. ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन. ठीक, तो यानी जो भी उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, जो भी उसकी क्वालिटीज हो गई, सारी चीज़ें उसको ट्रांसमिट होती है हेरिडिटी से एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन. ठीक है, लेकिन आफ्टर कंसेप्शन किसी भी चाइल्ड का उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो ग्रोथ है, ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंट्रैक्शन के आउटकम पे. तो जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम बर्थ ओनली. फ्रॉम कंसेप्शन पीरियड से ही जो है हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंट से अफेक्ट होने लगता है, इन्फ्लुएंस होने लगता है. ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट में कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, मॉरल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. ये सारे फैक्टर्स आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट. सो हेयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ इन्वायरमेंट. फर्स्ट इज द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स. यानी किसी भी इंडिविजुअल के जीन्स के अलावा, जीन्स के सिवाय उसको जो भी अफेक्ट कर रहा है, एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट. यानी वो सब कुछ एनवायरनमेंट है जो इंडिविजुअल के जीन्स के अलावा उसको अफेक्ट कर रहा है. यानी जीन्स में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, उसके अलावा उस इंडिविजुअल को जो भी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, दैट ऑल इज दैट एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट. दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय बोरिंग, लैंगफील्ड एंड वेल्ड. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज एनवायरनमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगैन लाइफ. यानी इन्वायरमेंट में क्या सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल. वो सारे फैक्टर्स यानी जो अभी हमने पढ़ा था, जैसे मॉरल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, आपका इंटेलेक्चुअल फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगैन लाइफ. जब से उसका बर्थ हुआ है, जब से उसकी लाइफ स्टार्ट हुई है, उन सारे फैक्टर्स ने जो इंडिविजुअल पे एक्ट किया है, दैट इज द इन्वायरमेंट. दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय वुड्सवर्थ. अब इन्वायरमेंट के थ्री टाइप्स हम पढ़ेंगे. ठीक है, इन्वायरमेंट थ्री टाइप्स का होता है हमारा, इंटर सेलुलर इन्वायरमेंट, सेकेंड इज इंट्रा uterine environment, and third is external environment.
अब जो इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट होता है रिलेट्स टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है. द साइटोप्लाज्म इज इन द इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट, क्योंकि जो भी जीन्स उसके सराउंडेड होते हैं दैट इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दैट इन्फ्लुएंसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट इज इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट. इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट मींस जब बेबी मदर की वूम में होता है, व्हेन द बेबी इज इन द मदर्स वूम, जब बेबी यूट्रस में होता है तो उस टाइम पे जो इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट होता है उस टाइम पे बेबी जो होता है सराउंडेड होता है एमनियोटिक फ्लूइड से एंड इज कनेक्टेड टू द मदर विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है, तो उस टाइम पे बेबी का जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द नरिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द मदर. जो भी मदर का नरिशमेंट होगा उस पे बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है. ठीक है, अब प्रेगनेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जो भी मदर का फिजिकल स्टेट होगा या जो भी मदर का साइकोलॉजिकल स्टेट होगा दैट इज टोटली गोना इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, फिजिकल, सेकंड इज बायोलॉजिकल एंड थर्ड इज साइको सोशल एनवायरनमेंट. फर्स्ट इज फिजिकल एनवायरनमेंट. तो फिजिकल एनवायरनमेंट में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई ना, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, हाउस, क्लाइमेट, लाइट, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें क्या फॉर्म करती हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल एनवायरनमेंट को फॉर्म करती हैं. तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट में आ गई. अब ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है यानी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें सम हाउ दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्रोइंग चाइल्ड है ना उसके मेंटल हेल्थ और उसके फिजिकल हेल्थ के लिए उसको एक डिसेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, उसको एक गुड फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए. ठीक है, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस द मेंटल एज वेल एज द फिजिकल बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग थिंग्स हो गई, जितना भी लिविंग कॉम्पोनेंट्स हो गया हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को फॉर्म करती हैं. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू keep a growing child in a good biological environment away from the disease carrying bacteria and viruses. Next is psychosocial environment. अब ये psychosocial environment में क्या सारी चीज़ें आएंगी, individual या किसी भी human being के जो social customs हो गए, beliefs हो गए, attitudes हो गए, values हो गए, या उनके parents का जो भी mindset है, teachers, उनके family friends, उनका peer groups, ये सारी चीज़ें जो है combine करके क्या form करती है, psychosocial environment को form करती है. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के कहीं ना कहीं चाइल्ड के माइंडसेट को अफेक्ट करती हैं, चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल एक कोई स्टूडेंट है या कोई चाइल्ड है जिसके घर में बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है, फादर और पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है, वेरी गुड कम्युनिकेशन है, और वहीं इन कंपैरिजन एक दूसरा फैमिली है जिसमें चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली इंटरेक्शन नहीं है, बहुत अच्छा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड चाइल्ड नहीं है, तो उस चाइल्ड का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा एज़ कम्पेयर टू दैट चाइल्ड विल बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि उसको एक ऐसा माहौल मिला है, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला है दैट इज़ फार अवे डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. ठीक है, तो उसके जो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होगा, जो उसका इंटेलेक्चुअल फैक्टर होगा या उसका जो सोशल बिहेवियर होगा वो बहुत डिफरेंट होगा, इस चाइल्ड का जो सोशल बिहेवियर होगा वो बहुत डिफरेंट होगा. ठीक है, तो साइको सोशल इन्वायरमेंट टोटली influences the growth and development of a child. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्रेन एंड बिहेवियर के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारा जो बिहेवियर होता है इसको एंटायर, जो हमारा पूरा एंटायर बिहेवियर है इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है, कौन मैनेज करता है, ये हमारा नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है, हम किसी भी चीज़ को कैसे लेके कैसे जज करेंगे, किसी भी चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. हमारा जो इमोशनल बिहेवियर है दैट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द नर्वस सिस्टम. किसी भी चीज़ पे हम कैसे इमोशनली रिएक्ट करेंगे, इन टाइम्स ऑफ एंगर, इन टाइम्स ऑफ फियर, इन टाइम्स ऑफ एंजाइटी, दिस ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम ओनली. फॉर एग्जांपल अगर हमारे ब्रेन या हमारे स्पाइनल कॉर्ड दैट इज अ पार्ट ऑफ आर नर्वस सिस्टम ओनली, अगर इनमें कोई भी डिफेक्ट आ गया तो दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस अवर इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, या हमारे इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को भी अफेक्ट करेंगे. तो इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. पहला है रिसेप्टर्स, सेकेंड इज
effectors, and third is connectors. Okay, so we are going to study about three things: receptors, effectors and connectors. अभी receptors क्या होते हैं? Receptors हमारे external environment में जितने भी stimuli होते हैं, those stimuli in the form of various sensory experiences are received by our sensory system known as receptors. So receptors जो होते हैं वो दो type के होते हैं, external receptor और एक होता है internal receptor. External receptor जितना भी हमारा external environment में जो stimuli है, हमारे पांच sense organ है, आपने पढ़े होंगे eye, ear, nose, tongue, skin, इन सबको हम sensory organs कहते हैं, ठीक है. अब ये sensory organs में sensory receptors present होते हैं, जो कि एक sensitive cell होता है associated with the sensory nerve ending fibers. हमारा जितना भी most of the behavior होता है that totally depends on or upon our sensory organs. हमारे sensory organs किस तरह से चीज़ों को receive कर रहे हैं, हम किस तरह से उन्हें perceive कर रहे हैं और किस तरह से उस पर react कर रहे हैं. For example, पांच sensory organs होते हैं, eye, ear, nose, tongue, skin. इसमें हम लेते हैं vision. आपने किसी भी चीज़ को देखा, ठीक है, external environment में आपका कोई भी external stimuli है, उस पर आपने visually आपका जो sense organ है eye, उसने किस तरह से उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव की, हाउ यू रिएक्टेड अपॉन दैट, तो इस पे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है. तो अगर हमारे रिसेप्टर्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो दिस विल लीड टू अ डिस्टर्बेंस और दिस विल लीड टू अ डिफेक्ट ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स, मेनली विजुअल डिफेक्ट, ऑडिटरी डिफेक्ट, काइनेस्थेटिक डिफेक्ट, ऑल्फैक्ट्री डिफेक्ट, ठीक है. तो ये हो गया रिसेप्टर. तो इफेक्टर्स क्या होता है? इफेक्टर्स आर टर्म्ड एज ऑर्गन ऑफ रिस्पॉन्सेस. वॉट एवर इज रिसीव्ड बाय द सेंसरी ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी इनपुट, जो कुछ भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स ने रिसीव की इन्फॉर्मेशन सेंसरी इनपुट के थ्रू, उसके प्रति हमारी बॉडीली जो मूवमेंट होगी या हमारी जो मोटर एक्टिविटीज होंगी विद द हेल्प ऑफ मसल एंड ग्लैंड्स, उसको कहते हैं इफेक्टर. ये इफेक्टर्स में मसल और ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है. मसल्स में हमारी मसल जो होती है दैट आर यूज फॉर द मोटर एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है. मसल्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, जैसे स्केलेटल मसल हो गया, कार्डियक मसल हो गया, आपका स्मूथ मसल हो गया. ग्लैंड जो होती है दो टाइप की होती है, एक होता है डक्ट ग्लैंड, एक होता है डक्टलेस ग्लैंड. डक्ट ग्लैंड में क्या होता है, डक्ट ग्लैंड जो होती है अपना जो केमिकल सिक्रीशन होता है वो एक डक्ट में स्मॉल ट्यूब में रिलीज करती है, ठीक है. तो डक्ट ग्लैंड में जैसे आपका लैक्रिमल ग्लैंड आ गया, आपका सलाइवरी ग्लैंड आ गया, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, तो ये सारी डक्ट ग्लैंड्स हो गई, ठीक है. डक्टलेस ग्लैंड में क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड एक केमिकल रिलीज करती है जिसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं, और वो हॉर्मोन्स किसी डक्ट में नहीं, किसी ट्यूब में नहीं, डक्टलेस यानी इसमें डक्ट का एब्सेंस होता है. दैट मींस ये जो हार्मोन होता है, ये जो केमिकल सिक्रीशन होता है, ये डायरेक्टली इट इज पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जहां से वो डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, ठीक है. तो डक्टलेस ग्लैंड में क्या क्या आ गया आपका, जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड आ गया, आपका थायरॉयड ग्लैंड आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपकी डक्टलेस ग्लैंड हो गई. ये जो ग्लैंड हो गई, इनकी अगर अंडर एक्टिविटी या ओवर एक्टिविटी, यानी अगर इन ग्लैंड से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डेफिशिएंट है, यानी कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, या एक्सेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है इन हार्मोन्स का, तो उससे इंडिविजुअल का ना सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट उसका एंटायर बिहेवियर भी अफेक्ट होगा. अब कनेक्टर्स क्या होता है, आपका जो भी रिसेप्टर और इफेक्टर्स की एक्टिविटी होती है, इनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है, कनेक्टर्स करते हैं. कनेक्टर्स में आप जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज नोन एज द कनेक्टर, ठीक है. तो कनेक्टर्स में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूरॉन्स एंड द साइनैप्स. तो अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में. नर्वस सिस्टम का जो बेसिक एलिमेंट होता है उसको कहते हैं न्यूरॉन. द बेसिक एलिमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन. न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, ठीक है. अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. न्यूरॉन में एक न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी होती है और सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है, ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है. अब न्यूरॉन से कुछ टाइनी फाइबर जो होते हैं बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रहे होते हैं, मतलब निकल रहे होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स. तो दीज आर द डेंड्राइट्स दैट आर एक्सटेंडिंग आउट ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है. अब इन डेंड्राइट्स का व्हाट इज द रोल ऑफ दीज डेंड्राइट्स, इन डेंड्राइट्स का रोल ये है कि जो भी मैसेज आ रहा है, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, उसको रिसीव करना और आगे की तरफ ट्रांसमिट करना. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, आप कोई भी गर्म चीज़ को जब टच करते हो तो व्हाट यू डू, आप तुरंत अपना हाथ पीछे करते हो, यू रिमूव योर हैंड. तो ये कैसे होता है, जब आप टच करते हो तो जो आपका सेंसरी ऑर्गन है, आपने टच किया तो वहां पे जो सेंसरी ऑर्गन यूज हो रहा है दैट इज स्किन. तो स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो तुरंत एक मैसेज
कैरी फॉरवर्ड करते हैं ब्रेन की तरफ, और ब्रेन एक इन्फॉर्मेशन सेंड करता है टू रिमूव योर हैंड, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो सेंसरी रिसेप्टर्स के पास प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कौन कैरी करता है? डेंड्राइट्स कैरी करके लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो इनका रोल क्या होता है? देयर रोल इज टू रिसीव द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स एंड कैरी फॉरवर्ड टू द एक्सॉन, ठीक है। तो अब हमने डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ लिया। एक्सॉन क्या होता है? ये जो नर्व फाइबर है इसकी जो लेंथ होती है इसको कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। अब ये जो एक्सॉन्स होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड विद अ फैटी मेम्ब्रेन, इनके चारों तरफ एक फैटी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। तो द एक्सॉन इज सराउंडेड बाय अ फैटी कवरिंग कॉल्ड द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करती है? इनको प्रोटेक्ट करती है, प्लस ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो डेंड्राइट से एक्सॉन तक आए, ये जो माइलिन शीथ होती है ये इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वेलोसिटी इंक्रीज करने का काम करती है, ठीक। तो माइलिन शीथ हो गया। अब ये जो एक्सॉन्स होते हैं इसकी एंडिंग में कुछ टर्मिनल बटन्स होते हैं, इन टर्मिनल बटन्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, एक केमिकल होता है, ठीक। अब इस तरह से जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, वो कौन कैरी करता है? न्यूरॉन कैरी करता है, ठीक है। तो द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, और जो दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसको साइनैप्स कहते हैं। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हो गए और जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे, इनके बीच की जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? देयर रोल इज़ टू रिसीव द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड कैरी इट फॉरवर्ड, और फर्दर जो है एक्सॉन इनको आगे की ओर भेजता है, ठीक है। फिर ये लास्ट में नर्व एंडिंग्स में इनके टर्मिनल बटन्स होते हैं, इन टर्मिनल बटन्स में न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, और ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है दे रिलीज दिस न्यूरो ट्रांसमीटर इन द साइनैप्टिक क्लेफ्ट। वॉट इज साइनैप्स? दो न्यूरोन के बीच का जो जंक्शन होता है दैट इज नोन एज साइनैप्स, और जो एक एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन की जो स्टार्टिंग होती है, यानी यहाँ पे ये न्यूरॉन एंड हुआ, यहाँ से एक न्यू न्यूरॉन स्टार्ट होगा, उसका जो डेंड्राइट्स होगा और ये जो टर्मिनल्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, दैट इज़ नोन एज द साइनैप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो न्यूरो जो टर्मिनल बटन्स होते हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर को वहाँ रिलीज कर देते हैं जहाँ से डेंड्राइट्स या जहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स इनको आगे की तरफ इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है टिल द ब्रेन, एंड देन द ब्रेन सेंड सिग्नल्स और द ब्रेन सेंड इन्फॉर्मेशन। न्यूरोट्रांसमीटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बिहेवियर एंड इमोशंस, ठीक है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल गाबा हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, ठीक है। तो दीज आर सेवरल न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट इन आर बॉडी। ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? दीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स कन्वे द इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट टारगेट सेल। इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स की अगर डेफिशिएंसी होगी या एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो दैट कैन लीड टू सेवरल बिहेवियर डिसऑर्डर्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूरॉन्स। दिस नर्वस सिस्टम, तो इतना तो हमने पढ़ ही लिया है कि नर्वस सिस्टम जो है मास्टर है इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ आर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इवन हमारी जो मेंटल या हमारी जो इंटेलेक्चुअल जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा थिंकिंग, इमेजिनिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। तो नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सोमैटिक सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक सिस्टम। सोमैटिक सिस्टम हमारा जो भी वॉलेंट्री है एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और ऑटोनॉमिक हमारा इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? इट कंसिस्ट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट कंसिस्ट एवरीथिंग इन द नर्वस सिस्टम में, जो भी चीज़ सारी चीज़ें आ जाएंगी अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज़ अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम पार्ट इन द फोर ब्रेन। थैलेमस क्या होता है? जितना भी हमारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे थैलेमस में आके, वो थैलेमस के थ्रू आके हायर सेंटर्स पे जाती है, इसलिए इसको रिले स्टेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मीन्स इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द थैलेमस, और जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी जो ईटिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गया, या हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज लिम्बिक सिस्टम।
our emotional aspect of behavior related to survival, related to memory, related to sexual desire, pleasure, these all things are controlled by the limbic system. Next is cerebrum. Cerebrum is the most important and the most complex as well as the largest part of the brain. Cerebrum jo hota hai, do part mein divided hota hai, right hemisphere and left hemisphere. In brain mein further teen स्ट्रक्चर्स होते हैं मेडुला पॉन्स और सेरिबुलम. मेडुला क्या कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल्स आर रेस्पिरेशन आवर ब्रीदिंग एंड अदर इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस डाइजेशन सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ये सारी चीज़ें मेडुला कंट्रोल करता है. क्या करता है? हमारा जो राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर है यानी हमारा जो ब्रेन का राइट साइड और लेफ्ट साइड है इन दोनों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज सेरिबुलम. सेरिबुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस और बॉडी मूवमेंट जैसे डांसिंग सिंगिंग इन सारी चीज़ों के लिए सेरिबुलम इज इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नर्सिंग इम्प्लीकेशंस और वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ नर्स टू हैव द नॉलेज ऑफ नर्वस सिस्टम और ग्लैंड्स. ठीक है, तो फर्स्ट इज इट हेल्प्स द नर्स टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ एनी पेशेंट. किसी भी पेशेंट का जो बिहेवियर है उसका फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है या वॉट आर द अंडरलाइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस रिलेटेड टू बिहेवियर ये पता करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नर्स टू नो अबाउट द बिहेवियर टू नो अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड टू नो अबाउट द माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स द नर्स टू अंडरस्टैंड हाउ ग्लैंडुलर सिक्रीशंस अफेक्ट और इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी. कैसे जो हमारे जो ग्लैंड्स हैं या जो हॉर्मोन्स हैं वो कैसे पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और ओवरऑल हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ठीक है, हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनसे जो हॉर्मोन सिक्रीट हो रहे हैं अगर उनका डेफिशेंट सिक्रीशन होगा या ओवर प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन हो रहा है तो उसकी वजह से कैसे किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी अफेक्ट हो रही है एंड इन टोटल कैसे उसका बिहेवियर अफेक्ट होगा. ठीक, इट हेल्प्स द नर्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस डिजीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स and their effects on human behavior. यानी हमारे जो नर्वस सिस्टम और हमारे जो ग्लैंड्स रिलेटेड जितने भी डिजीजेज हैं जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको जानने के लिए और उन डिजीजेज उन डिसऑर्डर्स का हमारे पर्सनालिटी पे हमारे बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज ऑफ नर्वस सिस्टम ग्लैंड्स एंड बिहेवियर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट 2 ऑफ साइकोलॉजी बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर एंड अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इफ यू वांट द नोट्स आई हैव मेंशन द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो अपने नोट्स एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर टू एंड आई होप यू विल कीप शावरिंग योर लव एंड सपोर्ट लाइक दिस ओनली. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.